इंडियन नेवी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में एचएएल को शामिल करना क्यों नहीं चाहता है। अस्त्र मिसाइल के एक आयर वेरिएंट को 2022 तक टेस्ट किया जाएगा, जो कि अब तक हमारा सबसे बेहतरीन आयर गाइडेड मिसाइल होने वाला है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के मुताबिक भारत और नेपाल के बायलेटरल रिलेशन खराब होने के पीछे केपी ओली के तीन बहुत बड़ी गलतियां छुपा हुआ है। जापान अभी अपनी F-15 फ्लीट को लेटेस्ट स्टैंडर्ड में या फिर यूं कहे कि EX स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने वाला है, और चाइना अपने J-20 को 5th जनरेशन फाइटर के बदले 4th जनरेशन का फाइटर क्यों बता रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि इंडियन नेवी के लिए 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था। इसमें फॉरेन कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और साथ ही इंडियन कंपनीज के तौर पर हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ साथ एचएएल भी पार्टिसिपेट कर रहा था। एचएएल की तरफ से इसमें दो दो बिड को सबमिट किया गया था, लेकिन दोनों ही बिड को इनिशियल लेवल में ही कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस टेंडर को दोबारा इवेल्युएट किया गया और उसके बाद एचएएल को दोबारा इसमें शामिल करने की कोशिश की गई थी। अब इसी बात को लेकर भारत के जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी थे वो काफी कंप्लेन कर रहे थे कि एचएएल को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए और इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इसमें मौका देना चाहिए। लेकिन अभी इंडियन नेवी भी एचएएल को इस टेंडर में शामिल करना नहीं चाहता है। नेवी का कहना है कि एचएएल के जो हेलीकॉप्टर ये इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहा है। एचएएल की तरफ से अभी इसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की नेवल वेरिएंट को ऑफर किया जा रहा है, लेकिन नेवी के मुताबिक ये हमारी प्रिलिमिनरी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा। नेवी का कहना है कि एचएएल के जो हेलीकॉप्टर है इनको हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है और इनके रोटर ब्लेड को उसी हिसाब से बनाया गया है और यह हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए काफी बेहतर है। लेकिन नेवल ऑपरेशन की बात करें तो इनका रोटर ब्लेड फोल्डेबल होना चाहिए, वहीं पर किसी भी इमरजेंसी में इनमें रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पीछे पड़ रहा है और किसी भी इमरजेंसी सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में इसको डिप्लॉय करने में काफी वक्त लग रहा है, जिस वजह से इंडियन नेवी इसे इस टेंडर में शामिल नहीं करना चाहता है। बदले में वो किसी फॉरेन कंपनी को इसमें सिलेक्ट करना चाहता है जो कि आगे चल के किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर इन हेलीकॉप्टर्स को भारत में ही बनाने वाले हैं। अगला अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेकर है। आप सबको ये बात पहले से ही पता होगा कि DRDO की तरफ से अभी अस्त्र मिसाइल की अलग अलग वेरिएंट को बनाया जा रहा है और अभी इसकी टोटल 3 से 4 वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 2 रडार गाइडेड और 2 इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल होने वाले हैं। अभी एक अपडेट के मुताबिक अस्त्र मिसाइल की आयर वेरिएंट को 2022 तक तैयार कर दिया जाएगा, मतलब 2022 से इसकी इनिशियल टेस्टिंग शुरू होने वाली है। ये मेनली एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल होने वाली है, लेकिन अभी हमारे पास जितने भी शॉर्ट रेंज की मिसाइलें उनके मुकाबले इसकी रेंज काफी ज्यादा होने वाली है और इन्फ्रारेड गाइडेड मिसाइल की कैटेगरी में ये एक मीडियम रेंज का मिसाइल होने वाला है। इसमें डुअल बैंड की पैसिव आयर सीकर के साथ साथ स्मोकलेस सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे विजुअल रेंज के एंगेजमेंट में इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर होने वाली है और इसको फायर करने के बाद दुश्मन को इसको स्पॉट करना काफी मुश्किल होने वाला है। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक होने वाली है और इसे लॉक ऑन बिफोर लॉन्च या फिर लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मोड में फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल की एक और खासियत यह कि अपने आप ही अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसको हमारे फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने के लिए भी काफी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमारे फाइटर जेट की मिशन कंप्यूटर में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसकी अभी एक और शॉर्ट रेंज की वेरिएंट को बनाया जा रहा है, जिसको नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल कहा जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि DRDO अभी अस्त्र मिसाइल की 4 वेरिएंट को बना रही है और इनमें से 2 आयर वेरिएंट है और 2 रडार गाइडेड वेरिएंट है। और अभी अस्त्र मार्क 1 को छोड़ के DRDO अभी अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 को भी बना रही है, जो कि रडार गाइडेड वेरिएंट होने वाले हैं। और इनमें से मार्क 2 डुअल पल्स वेरिएंट होगा, जिसकी रेंज लगभग 160 से 180 किलोमीटर तक होने वाली और ये चाइना की PL-15 मिसाइल से बेहतर होने वाली है। वहीं पर मार्क 3 वेरिएंट की बात करें तो ये रैमजेट वेरिएंट होने वाला है, जो कि मिट्योर मिसाइल जैसी मिसाइल बनने वाली है। अगला अपडेट नेपाल को लेके है। नेपाल को लेके अभी काफी सारे खबर है, जिनमें से एक अपडेट PTI में आई है और इसके मुताबिक नेपाल की रूलिंग पार्टी के एक सीनियर लीडर का कहना है कि भारत के साथ अगर नेपाल की रिलेशन खराब हुआ है तो इसके पीछे नेपाल के PM केपी ओली जिम्मेदार हैं और उन्होंने एक नहीं बल्कि 3-3 गलतियां किया है। सबसे पहला गलती ये था कि अगर भारत के साथ लिपुलेख इलाके को लेके नेपाल का कोई मतभेद था तो उसको लेके भारत के साथ बातचीत किए बिना ही केपी ओली ने एक नए मैप को पार्लियामेंट में पेश कर दिया।
अब जब इसके बाद बात थोड़ा और गर्म होने लगा तो केपी ओली ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि भारत उनके ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को भड़का रहा है और उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है। और ये एलिगेशन एकदम बेसलेस एलिगेशन था और केपी ओली ने भारत की सत्यमेव जयते वाले सिंबल के ऊपर भी सवाल उठा के इस मामले को और बिगाड़ दिया। और आखिरी में अयोध्या नेपाल में ऐसा स्टेटमेंट दिया था, हालांकि इन स्टेटमेंट को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था और ना ही इसकी वजह से भारत और नेपाल का संपर्क खराब होने वाले थे, पर इससे पहले जो दो स्टेटमेंट दिए गए थे ये काफी रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थे। और अयोध्या वाला स्टेटमेंट भी एक देश के पीएम की स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफी रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था। लेकिन अगर एक आम इंसान के नाते वो ये मानते हैं कि भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि थोरी में है तो इस बात को हम उनकी आस्था के आधार पर इग्नोर कर सकते हैं। पर अभी अगर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो उन्हीं की पार्टी के 201 मेंबर ये चाहते हैं कि केपी ओली अपने पद से रिजाइन कर दें, लेकिन केपी ओली यहाँ पर रिजाइन नहीं करना चाहते हैं। वहीं पर न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की फॉरेन अफेयर की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसके मुताबिक नेपाल लिपुलेख मुद्दे को सॉल्व करने के लिए भारत के साथ बातचीत करने के लिए नेपाल अप्रोच कर रहा था, लेकिन भारत की तरफ से उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया था। अगला अपडेट एक दुखद अपडेट है और यहाँ पर दो दो बुरी खबर है। पहली अपडेट यह कि आज पाकिस्तान की तरफ से रूसी के पास हैवी फायरिंग किया गया था जिसमें हमारा एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राजौरी सेक्टर में आज पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग करना शुरू कर दिया गया था और बदले में इंडियन आर्मी की तरफ से भी काउंटर अटैक किया गया था, लेकिन इस फायरिंग एक्सचेंज के दौरान इंडियन आर्मी के एक जवान को गोली लग गई थी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस जवान का नाम रोहिन कुमार है जो कि हिमाचल प्रदेश की हिमपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ऑफिसर्स का कहना है कि वो एक सिंसियर सोल्जर थे और उम्र के हिसाब से देखे तो उनकी उम्र बस 25 साल की थी और नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी और 2016 में रोहिन ने 14th पंजाब बैटालियन के साथ इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। दूसरी अपडेट की बात करें तो आज सुबह विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान सीवेट लिमिटेड में एक हैवी क्रेन क्रैश हो गया था जिस वजह से 10 लोगों की जानें चली गई है और अभी भी रिलीफ ऑपरेशन जारी है क्योंकि क्रेन की गिरने की वजह से वहां पर काफी सारा मलबा दबा पड़ा है और उम्मीद की जा रही कि उसके नीचे और कोई नहीं होना चाहिए वरना कैजुअलिटी फिगर और बढ़ सकती है। अगला अपडेट जापान को लेके है। आप सबको ये बात याद होगा कि रिसेंटली MMRCA टेंडर में भारत को US की तरफ से F-15EX को ऑफर किया गया था और भारत को ये भरोसा दिलाने के लिए कि F-15EX एक बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है, यूनाइटेड स्टेट खुद भी इसको अपनी एयरफोर्स में शामिल कर रहा है लेकिन वो इसको काफी कम मात्रा में इंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन जापान की तरफ से अभी अपनी F-15 फ्लीट को लेटेस्ट स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। पहले ऐसा लगता था कि जापान अपनी F-15 फ्लीट को रिटायर करने वाला है, लेकिन अभी एक अपडेट के मुताबिक जापान और US के बीच अभी F-15s को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है और इसको लेके 28 जुलाई को बोइंग और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के बीच एक डायरेक्ट कमर्शियल सेल एग्रीमेंट को साइन किया गया है। जापान की एयरफोर्स में या फिर यूं कहे कि जापान एयर सेल डिफेंस फोर्सेस में अभी 98 के करीब F-15 एयरक्राफ्ट मौजूद है। इनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट को मित्सुबिशी की तरफ से लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर मैन्युफैक्चर किया गया था। अभी बोइंग की तरफ से जापान को इन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में और अपग्रेड करने में टेक्निकल असिस्टेंस दिया जा रहा है। जापान पहले ही अपनी F-15s को रिटायर करना चाहता था लेकिन अभी सिर्फ चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए जापान अपनी F-15 में से कुछ एयरक्राफ्ट को लेटेस्ट स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने वाला है। इसमें जापान की F-15s की एग्जिस्टिंग कॉकपिट सिस्टम को कम्प्लीटली नए सिस्टम के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा जो कि फुली डिजिटल सिस्टम होने वाली है। इसमें अब ALQ-239 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एक नया मिशन कंप्यूटर और APG-82 ASR रडार को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। जापान मेनली अपने F-15s को एयर सुपेरियरिटी फाइटर के तौर पर इस्तेमाल करता है लेकिन अभी इसको अपग्रेड करने के बाद ये बेहतर एयर टू एयर मिसाइल के साथ साथ हाइपरसोनिक एयर टू ग्राउंड वेपन को भी फायर कर सकते हैं। जापान अभी एक ऐसी लॉन्ग रेंज की एयर टू सरफेस मिसाइल को डेवलप भी कर रहा है और इसको अपग्रेड करने के बाद जापान के F-15 काफी हद तक F-15EX के स्टैंडर्ड के बन जाएंगे। जापान अभी कितने F-15s को अपग्रेड करने वाला ये तो नहीं बताया जा रहा लेकिन वो कम से कम 50 के आसपास F-15s को अपग्रेड करने वाले हैं और ये प्रोग्राम अभी बोइंग को MMRCA टेंडर में F-15EX को पुश करने में काफी मदद करने वाला है कि F-15 आज के दौर में भी एक बहुत ही अच्छा फाइटर है लेकिन तब भी ये हमारे रिक्वायरमेंट में फिट नहीं होने वाला है। अगला अपडेट J-20 को लेके है। मैंने कल भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि फाइटर जेट की जनरेशन को लेके पूरी दुनिया और चाइना के नजरिए को देखा जाए तो उनमें थोड़ा अंतर है और ये कन्फ्यूजन तब शुरू हुआ था जब चाइना की ग्लोबल टाइम की तरफ से J-20 को फोर्थ जनरेशन का फाइटर बताया गया था और इस बात को लेके उसके बाद इंडियन मीडिया की तरफ से बताना शुरू कर दिया गया कि
चाइना ने अपने J20 की जनरेशन को एक जनरेशन कम कर दिया है या फिर डाउनग्रेड कर दिया है और इसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर के बदले फोर्थ जनरेशन फाइटर कहा जा रहा है। वैसे देखा जाए तो J20 स्टेल्थीनेस के हिसाब से F-22 या फिर F-35 को मैच नहीं कर सकता है और अभी भी इसके लिए चाइना एक प्रॉपर फिफ्थ जनरेशन के इंजन को डेवलप नहीं कर पाया है। लेकिन चाइना के नजरिए से ये F-22 और F-35 दोनों से बेहतर है और यहाँ पर ग्लोबल टाइम की तरफ से J20 को फोर्थ जनरेशन का फाइटर कहने का मतलब कुछ और है। दरअसल वेस्टर्न या पूरी दुनिया की बात करें तो हमारी नजरिए से देखा जाए जिन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को 1940s के दौर में इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि पिस्टन ड्रिवन एयरक्राफ्ट थे उनको फर्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहा जाता है। इस कैटेगरी में यूनाइटेड स्टेट की F-80 या फिर ब्रिटिश की मेच्योर एयरक्राफ्ट आते हैं। इसके बाद कोरियन वॉर के दौर में जब हाईली एजाइल स्विफ्ट विंग डिजाइन के फाइटर आने लगे तो उनको सेकेंड जनरेशन का फाइटर कहा जाने लगा और इस कैटेगरी की बात करें तो इसमें यूनाइटेड स्टेट की F-86 और रशियन ओरिजिन MiG-17 जैसे फाइटर आते हैं। थर्ड जनरेशन के जो फाइटर थे वो एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल के साथ आने लगे थे और ये इनिशियल दौर के सुपरसोनिक फाइटर थे। इनमें MiG-21 या फिर F-104 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल थे। इसके बाद 70s के दौर में जो फाइटर इंट्रोड्यूस किए गए थे इनको फोर्थ जनरेशन का फाइटर कहा जाने लगा। इनमें बेहतर रडार, एयर टू एयर मिसाइल और फ्लाई बाय वायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये प्रीवियस एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफी ज्यादा वेपन को कैरी कर सकते थे और काफी ज्यादा मैनेवरेबल थे। और इस कैटेगरी में काफी सारे फाइटर आते हैं जिनको अभी भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि F-15, F-16, मिराज 2000 और सुखोई जैसे काफी सारे एयरक्राफ्ट हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद US ने सीधे तौर पर स्टेल्थ फाइटर के तौर पर F-22 को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसे रडार इजिली डिटेक्ट नहीं कर सकता था और इसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर कहा जाने लगा। लेकिन फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी काफी महंगी थी और इनको मेंटेन करना काफी महंगा था और इसी वजह से फोर्थ जनरेशन की फाइटर में बेहतर एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन को डाल के 4.5 जनरेशन की फाइटर को इंट्रोड्यूस किया गया और आज के दौर में जितने भी मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो सभी के सभी 4.5 जनरेशन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइना अपनी J-5 एयरक्राफ्ट को फर्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट मानता है जो कि MiG-17 के कॉपी है। इसके बाद अपनी J-7 को सेकेंड जनरेशन का एयरक्राफ्ट मानता है जो कि MiG-21 के कॉपी है। फिर J-11 को थर्ड जनरेशन का एयरक्राफ्ट मानते हैं जो कि SU-27 के कॉपी है और अभी अपने J-20 को फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बता रहे हैं और चाइना के लिहाज से अभी के सभी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट 3.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पर चाइना इनिशियल दौर के जो फाइटर थे उनको काउंट नहीं करता है जिस वजह से चाइना की एक की शुरुआत हमारी दो से होती है और अभी सारी कंफ्यूजन की वजह यह है कि चाइना अब तक हर बार और हर प्लेटफॉर्म में J-20 को फिफ्थ जनरेशन फाइटर बता रहा था यानी कि वेस्टर्न मेथड को फॉलो कर रहा था लेकिन अचानक से एक बार अपनी ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करने की वजह से ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।